हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी उनकी क्या है, आपके लिए आपको लेकर के उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। कम्युनिकेशन, ओ माय गॉड, एट ऑफ वांड्स, उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है गाइस कि वो आपसे बात करें। कुछ ना कुछ है जो वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं, वो आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं। फैमिली हैप्पी आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, वो आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाने की इच्छा रखते हैं। अभी पॉजिटिव ही कार्ड आए हैं, अभी तो सारे कार्ड्स देखते हैं अब क्या आते हैं। बाकी तो आपके पार्टनर अभी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉल मैसेजेस करना चाहते हैं, आपको फैमिली में इंक्लूड करके फैमिली में मिलाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाने की इच्छा है। अगर जो अनमैरिड लोग हैं देख रहे हैं ऐसे व्यूअर्स, तो उनके पार्टनर आपको फैमिली ले जाना, बावजूद इसके वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, क्योंकि पास्ट में शायद उनके कर्मा आपके प्रति ऐसे रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया है आपके प्रति जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में। हाँ, निश्चित ही क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, उनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है जिसकी वजह से उन्होंने आपको पास्ट में अपनी लाइफ से निकाला, अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हुए भी आपके साथ, मतलब फैमिली फील होती है उनको, उनको लगता है आप उनके फैमिली का एक हिस्सा हो, उनकी लाइफ का हिस्सा हो, और वो चाहते हैं आपके आसपास रहना, आपसे कम्युनिकेट करना, बातें करना। लेकिन कोई ऐसी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है जो आपके पास उनको आने नहीं देती है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ये क्या इनकी थर्ड पार्टी है, कौन है ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्या इनकी माता जी हैं, कौन है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कौन है इनके लाइफ में, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कौन है इनके लाइफ में, एक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कौन है। सॉरी गाइस, गले में खराश हो गई है, ये रिग्रेट में है, काफ़ी तकलीफ में है, दुखी हैं। निश्चित ही कुछ पार्टीज़ हैं, थर्ड पार्टी नहीं, कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में, कुछ फैमिली में भी हो सकते हैं, कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी महिला जो इनकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वो इनकी लाइफ में है, जो इनको आपसे दूर करना चाहती है, दूर रखना चाहती है, आपसे कम्युनिकेशन तक नहीं चाहती कि वो आपसे नॉर्मल बात भी करे। तो इसके लिए रिग्रेट में है, तकलीफ़ में है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस छलक के बाहर आ रहे हैं, इनके इमोशंस आपके लिए बाहर आ रहे हैं छलक छलक के। कोई साइकिल चल रही थी आप लोग में जो कि एंड होने वाली है, या फिर कुछ ऐसा है जो एंड होने वाली है, ये आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं, अपनी दुनिया समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट वो शो नहीं कर पाते हैं। ये देखो लवर्स कार्ड आया है, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं गाइस, तो मैं नहीं ले रही, बस एक कार्ड ले रही हूँ, लवर्स कार्ड आया है आपके लिए, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं आपको लेकर के, बट आपके पास आने की हिम्मत नहीं है इन क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की वजह से। शायद उनकी लाइफ में वो जो इम्पोर्टेंट महिला है, बहुत सारे कार्ड बार बार गिर जा रहे हैं, कुछ ईगो भी है, कुछ लोगों के पार्टनर की ईगो जो है ना, एक मिनट गाइस मैं थोड़ी लाइट को, तो आपके पार्टनर के लाइफ में जो इनकी ईगो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ईगो की वजह से, उनकी थर्ड पार्टी ईगो हो सकती है, उनकी थर्ड पार्टी उनके मतलब कुछ ऐसे हैं, मतलब सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ईगो तो निश्चित ही है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको, मतलब अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन समझ में आने लगा आपके साथ, जो अगर उनका है तो सोलमेट का या फिर ट्विन फ्लेम का कुछ भी। द मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए, वो मैनिफेस्टेशन ईश्वर से मांग रहे हैं आपको, काफ़ी निश्चित ही मेडिटेशन पे बैठते होंगे, निश्चित ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पार्टनर जो पास्ट में बिल्कुल भी नहीं थे वो, तो ईश भगवान क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन अब वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब आप पहले आप अगर कुछ बोलते भी उन्हें थे कि हाँ भैया ऐसा है वैसा है, तो आपकी बात नहीं मानते, ठीक है मैं बहुत जानता हूँ तुम्हें, कुछ ज़्यादा मुझे समझाने की कोशिश मत करो, ज़्यादा बताने, उन्हें ऐसा लगता था कि आप उन्हें समझाते हो, तो ऐसी कंडीशन है वो बिना समझाए वो खुद खुद ब खुद समझने लगे हैं ईश्वर के
जब मतलब यूनिवर्स ने जो डंडे मारे हैं उन्हें, अब शायद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा पता हुआ जो फील कर रहे हैं उसकी वजह से आज वो अब खुद ही ईश्वर की तरफ मुड़ रहे हैं, जा रहे हैं। चीटिंग की एनर्जी है गाइस। कुछ लोग के पार्टनर पास्ट में उन्होंने चीट किया, उन्होंने जो आपके साथ किया उसके लिए रिग्रेट में है, निश्चित ही सोच रहे हैं, तकलीफ में है, काफ़ी सोच रहे हैं, पास्ट में चीट किया। लेकिन गाइस ये भी मुझे मतलब ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी निश्चित ही, जिनका मतलब कनेक्शन बहुत पुराना नहीं है, न्यू कनेक्शन है, 2 साल का है, 6 महीने का है, 1 साल का है, अगर न्यू कनेक्शन है तो उनके पार्टनर अभी भी चीट कर रहे हैं गाइस। अगर कुछ लोगों का 6 साल 5 साल का भी कनेक्शन है और अगर आपके पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर के हैं तो आज भी वो आपसे चीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको भी अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं और आपके मतलब आसपास जो भी थर्ड पार्टी है उनके उनको भी, और एक ही थर्ड पार्टी नहीं है गाइस, काफ़ी लोग हो सकते हैं जिनको ये एंटरटेन करते हैं और वो, लेकिन वो आपके लिए भी इमोशन है, उनके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन क्या आप ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करोगे जो आपको भी अपनी लाइफ में बना के रखना चाहता है और मतलब औरों के साथ भी मतलब आपको पकड़ के रखा है, भैया तुम कहीं जाओ नहीं, तुम तो मेरे हो, लेकिन उसके साथ मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, मैं उन्हें भी एंटरटेन करूँगा, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ जाना चाहोगे? सोच लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पेज की एनर्जी में बहुत सारे लोगों के पार्टनर अभी भी पेज की एनर्जी में आपकी छोटी ऑफर लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा है, नो कॉन्टैक्ट में हो तो या लेस कॉन्टैक्ट में हो तो बहुत लोगों के पास कम्युनिकेशन आएगा, निश्चित ही आएगा कम्युनिकेशन, बट देख लेना झगड़े ना हो जाएँ, क्योंकि आप क्लैरिटी मांगोगे और वो देंगे नहीं। आप अगर उनसे मांगते हो कि भैया मुझे कमिटमेंट दो और वो देंगे नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, निश्चित ही ऑप्शंस हैं, ये दोनों कार्ड ना कंफर्म कर रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। देखो ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ये दोनों, और उन ऑप्शंस को वो अभी भी एंटरटेन कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर कुछ लोगों के पार्टनर रिग्रेट में हैं, दुखी हैं, जो आपसे ज़्यादा मतलब कुछ लोगों के पार्टनर जिनके पार्टनर से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, पास्ट लाइफ फील कर रहे हैं, तो वो उनको एंटरटेन कर मतलब सॉरी तो वो उनके लिए दुखी है, उन्होंने पास में जो गलतियाँ की, आपको गोस्ट किया, जो भी किया उसके लिए, नीचा दिखाया, कष्ट दिया, तकलीफें दी, उसके लिए वो काफ़ी रिग्रेट में है। लेकिन कुछ लोग के पार्टनर अभी भी जो अवेकन नहीं है पूर्ण तक, वो अभी भी आपको चीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं, रोज़ नई नई पार्टीज उनके आसपास आती हैं, तो कुछ बुरी लत है उन्हें शायद जो वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, ले औरतों के मामले में तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं है, ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन है कुछ लोगों के लाइफ में, ऐसे लोग हैं, सोच के चलना, बच के चलना, क्योंकि वो अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखा है, वो जो पर्सन है वो अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखा है, आप उनको देख करके नहीं बता सकते वो कैसा व्यक्ति है। लेकिन हाँ, हमारी डिवाइन फेमिनिन की इंट्यूशन इतनी ज़्यादा मतलब हाई है कि वो पकड़ लेती है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इस वजह से वो थोड़ा डरा हुआ है, आपकी तरफ आना चाहता है, डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सच्चाई सामने आ जाए। और कुछ लोग के पार्टनर जो कि काफ़ी आपके लिए सोच रहे हैं, आपके साथ लवर्स की एनर्जी फील कर रहे हैं, उन्होंने लोगों के सामने, अगर आप एक वर्क प्लेस पे हो या एक साथ कहीं पे जॉब करते हो, कुछ करते हो, तो वो थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं और वो अपने चेहरे पे मास्क लगा के बैठे हैं, लोगों को नहीं पता चलने दे रहे हैं कि मेरे अंदर कितने तूफान चल रहे हैं। तो कई तरह की सिचुएशन है, कई तरह के मतलब एनर्जी है अभी इसमें, अभी की आपको वो सेल्फ लव करता देख रहे हैं, या फिर कोई ऐसी महिला है थर्ड पार्टी जिसकी तरफ अगर आपके पार्टनर जा रहे हैं ना, ये देखो, तो वो आजकल अगर उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये भी स्थिति हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में, तो ये है। और आपको वो इग्नोर कर रहे हैं, आपको पकड़ के रखा है उन्होंने, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो आपकी तरफ नहीं देख के अन्य महिला की तरफ, किसी अन्य थर्ड पार्टी की तरफ, आपकी तरफ नहीं, वो उधर जा रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल। अगर उनकी लाइफ में कुछ देखो, एक मिनट, हाँ निश्चित थर्ड पार्टी डियर, देखो कंफर्मेशन,
ये थर्ड पार्टी का कार्ड आता है तो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करने की इच्छा है उन्हें। ये जो कार्ड आया है ना वो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर एंजॉय करना चाहते हैं। सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा डियर, दुखी मत होना, अपने साथ रेजोनेट नहीं करना मतलब। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसी कंडीशन है उनके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट है, या फिर कोई थर्ड पार्टी न्यू पार्टी हो सकती है वो। तो ये कार्ड थ्री ऑफ कप्स ये आपको कंफर्म करता है कि आपकी लाइफ में निश्चित ही थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी के साथ एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं आपके पार्टनर, एंटरटेनमेंट करने की इच्छा है। तो ये कंडीशन है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इग्नोरेंस का है, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बावजूद इसके वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि मैं आपको मतलब अपनी लाइफ में नहीं चाहता और मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो वेटिंग 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 वेट कर रहे हैं। आप आओ उनके पास, आप दौड़ के आओ जैसे बार बार आया करते थे, तो बिल्कुल नहीं करना ऐसा। तो देखते हैं कि अगला कदम उनका क्या होगा, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर। ओह गॉड, इतने सारे कार्ड्स ले लूं, चार कार्ड आए हैं, नहीं लेती हूँ क्योंकि इतने सारे कार्ड्स एक बार। तो क्या नेक्स्ट मूव क्या है, दो कार्ड तो आए हैं ले रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट मूव इनका है, आपके लिए काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी एडमायर करते हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं मतलब आपके डीएम के लाइफ में जिन्होंने आपकी तरफ आने से उनको रोक रखा है। तो एम्परर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इगोस्टिक इंसान, बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाला व्यक्ति, और बावजूद इसके उसको आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर। वो स्ट्रेंथ इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन चाहिए आपके साथ, आपके साथ उसको कम्युनिकेशन चाहिए, कुछ क्लैरिटी चाहिए। वो आपके पास आने की इच्छा रखता है, मन तो उसका ये है मतलब माइंड उसका भटक रहा है इधर उधर, लेकिन हार्ट आपके लिए आपकी तरफ ही है। क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो वो आपके लिए तो काफ़ी सोचता ही है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। वो आपसे कम्युनिकेट करने की इच्छा रखता है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, वो बात नहीं कर मतलब चाहते हुए भी कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कहीं ना कहीं कि मैं अगर जाता हूँ तो मुझसे बहुत सारे सवाल होंगे और मैं उन जवाब देने की हालत में नहीं है। वो उस आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा, तो इसलिए वो आपसे भाग रहा है। देखते हैं वो कब तक भागेगा, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं, देखते हैं वो कब तक भागेगा। जस्टिस चाहता है वो अपने लिए, उसे लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस नहीं किया, उनके साथ इनजस्टिस हुआ, तो वो अपने लिए जस्टिस चाहता है। ठीक है, वो वर्क करना चाहता है आपके साथ रिश्ते पे, वो आपके पास आना चाहता है, आपसे बातें करने की इच्छा है, क्योंकि कुछ लत होती है लोगों को, तो आपसे बातें करने की लत है शायद उनको, तो आपके उनसे बातें करने की इच्छा है, और अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हो आप लोग। तो आपके रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, हार्ड वर्क करना चाहता है, लेकिन हार्ड वर्क तो करने की इच्छा है, बावजूद इसके वो थर्ड पार्टीज़ के पीछे जो भाग रहा है, तो क्या वो उन थर्ड पार्टीज़ को छोड़ के वापस आएगा आपके पास। ओके, निश्चित आएगा थर्ड पार्टीज़ के साथ, उनके टावर की कंडीशन आएगी, बिल्कुल आएगी, टावर वाली स्थिति आ जाएगी, और वो उन टावर की कंडीशन से जब ज़्यादा कष्ट में होगा। कुछ लोगों के लाइफ में, डीएम के लाइफ में टावर कंडीशन आ गई होगी गाइस, लेकिन कुछ लोग के लाइफ में वो टावर कंडीशन आने वाली है, तो थर्ड पार्टी जब उनको जूते मारेगी तो निश्चित ही आपके पास न्यू स्टार्ट करने के लिए आएंगे। बट उनकी ईगो उनके साथ ज़रूर रहेगी, क्योंकि वो ईगो के बिना ना एक कदम भी नहीं चल सकते अपने, उनके लिए ईगो उनका सबसे आगे रहता है, तो वो उसको मार के नहीं आ सकते। बहुत ज़रूरी है उनकी लाइफ में, ईगो ज़रूरी है उनके लिए, तो ऐसी स्थिति है फिलहाल। आइए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। एंजल्स हेल्प मी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में क्या एक्शन रिएक्शन देना चाहिए। वेट वेट, एंजल्स कह रहे हैं कि आपको वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट करो,
माय डियर बहुत सारा वेट आप कर चुके हो, मुझे पता है। बहुत सारी फेमिनिन जो है वेट कर करके फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन अभी भी आपको एंजल्स कह रहे हैं आप वेट करो। अगेन कुछ कार्ड्स और दे दें, टेक एक्शन, वेट करो उसके बाद एक्शन लो, थोड़ा वेट करो, वेट करने के बाद एक्शन लो, एक्शन ले सकते हो, पर थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी है, वेट करने की ज़रूरत है आपको। अगला क्या है, देर आर समथिंग बेटर, अभी जो कंडीशन है उससे कुछ अच्छा, ठीक है, एक्शन लोगे, थोड़ी देर वेट करो, वेट करने के बाद एक्शन लोगे तो कुछ अच्छा होने वाला है, होगा आपके साथ। एंजल्स पे विश्वास करो आप, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो डियर आप लोग मेडिटेशन नहीं करते हो, आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करो, आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको जवाब एंजल्स एंसेस्टर्स देंगे, क्योंकि आपको मेडिटेशन कनेक्ट, मेडिटेशन के थ्रू आप कनेक्ट करो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आप कुछ सप्ताह का वेट करो और मेडिटेशन करो, और कुछ सप्ताह के बाद आपको सारी सही हो जाएंगी आपके लाइफ में जो भी गड़बड़ियाँ हैं। इन द न्यू फ्यूचर अगर आप कुछ सोच रहे हो या फिर कुछ ऐसा चाहते हो, विशेष न्यू फ्यूचर में सारा अच्छा होगा। एंजल्स आपको बोल रहे हैं न्यू फ्यूचर में आप ग्रो करने वाले हो। फॉरगिवनेस का कार्ड आया, फॉरगिव करने की ज़रूरत है किसी को, ये कार्ड तो एकदम उछल के आया है। इट्स अप टू यू, ओ माय गॉड। तो आपको एंजल्स एंसेस्टर करते हैं कि इस रिश्ते में अगर कुछ भी होता है तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इसको, आप इसके लिए कुछ भी करना चाहते हो, कोई भी एक्शन लेना चाहते हो तो आप, आपके ऊपर है। आप यस भी करोगे तो भी एंजल्स एंसेस्टर्स आपके साथ रहेंगे, और आप अगर नो भी करते हो तो भी आपके एंजल्स एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको रेडी रहना है। यू आर रेडी फाइनली। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको कुछ फॉरगिव करने की ज़रूरत है नियर फ्यूचर में, आपके लिए अच्छा होने वाला है। कुछ वीक का वेट करो आप और मेडिटेशन करो, कुछ अच्छा होगा, वेट करने की ज़रूरत है बिल्कुल, और उसके बाद एक्शन लो, ठीक है। तो आइए देखते हैं साईं बाबा क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको, क्या उनका संदेश है आपके लिए। बाबा जी हेल्प कीजिए, ओ गॉड, नाइस नाइस नाइस, एकदम बाबा जी का ये कार्ड भी ना एकदम जंप करके आया है। पीड़ा, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो गाइज हमारे व्यूवर्स जो आप हैं, इसको देखो कितना सुंदर सा कार्ड आया है, आपके इस कनेक्शन के बारे में ही है। अब आपको जितनी पीड़ा अभी मिल रही है इस कनेक्शन में, तो ईश्वर कह रहे हैं कि जब जिस तरह से सोने को निखारने के लिए उनको पीटा जाता है, पिघलाया जाता है, और मतलब उनको पीड़ा दी जाती है तो वो बाद में निखर के आता है, सोना बनता है, उसी तरह से आपको भी मतलब पीड़ा जो दी जा रही है वो आपको निखारने के लिए दी जा रही है, आपको महान बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए दी जा रही है ये पीड़ा। तो ईश्वर के द्वारा दी गई ये पीड़ा आप प्रसाद रूप में समझ के आप इसको ग्रहण करो, और मतलब इसके लिए बुरा नहीं फील करो। मौन, आपको मौन रखने की ज़रूरत है, साइलेंस, मौन की भाषा सीखिए, हज़ार शब्दों से भी ज़्यादा कारगर है। तो आपको मौन रहने की ज़रूरत है बाबा जी, और आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, कुछ और गाइडेंस दें आप। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊँची उड़ान भरिए। तो आप अगर टाइम बर्बाद कर रहे हो तो उस टाइम का यूज़ करो, आपके पास जो भी समय मिला ना, ये सेपरेशन का जो समय है, आपको अभी अपने अंदर और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, शिक्षा और कुछ भी पढ़ने लिखने और कुछ भी ऐसी शिक्षा लेने की ज़रूरत है। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा, सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो अगर आपके अंदर निश्चित ही ऊर्जा डाली गई है, क्योंकि फुल मून पे ना आपको एक स्पेशल ऊर्जा दी जाती है, इस बार भी दी गई है, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो फेमिनिन है वो आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके अंदर एक मतलब अजब सी स्फूर्ति आ गई है दो तीन दिनों से, और आप बहुत ऊर्जावान हो, बहुत खुश रह रहे हो। सैडनेस है निश्चित है, इस चूँकि आप इस सैड मतलब अभी इस जर्नी में हो तो सैडनेस है, बावजूद इसके आपके अंदर एक बहुत प्रफुल्लित फीलिंग्स आपके अंदर है, बहुत खुश रह रहे हो, और ऐसी ऊर्जा है, कोई भी दुख आपको छू जाए भी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये
आप अंदर अंदर ना ऊर्जा का संतुलन करो। आप मेडिटेशन इसी लिखा गया, एंजल्स ने भी कहा था मेडिटेशन, तो मेडिटेशन करो और सांसों का अभ्यास कीजिए, आपको ऊर्जा का संतुलन आपके अंदर हो जाएगा। बस उसका संतुलन होते ही ओ गॉड। एक और आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। कहने का मतलब ये है अट्रैक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप उसको ढूंढो और ढूंढ के उसके बारे में सर्च करो और उसका यूज़ करो आप, ठीक है। आकर्षण को अपने अंदर लाइए और आप कुछ विशेष कीजिए, सब कुछ आपकी तरफ आकर्षण आकर्षित होके आएगा। रंज और आनंद, रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको मतलब उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में ना, सब कुछ बाबा ने किया है, सब कुछ ईश्वर ने किया है, सब कुछ मतलब उनके द्वारा ही फिक्स किया हुआ है। जो भी हो रहा है सब आगे जाके सब सही हो जाएगा। तो सब ऊपर वाले ने ही आपको स्पेशल चुना है, इसलिए किया है। देखो लास्ट में बॉटम में क्या है, आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। तो आपकी लाइफ में जितनी पार्टीज़ हो, थर्ड पार्टीज़, फोर्थ पार्टीज़ एंड जो भी कॉपी कैट्स जो भी होंगे, आप उनसे अपनी तुलना मत करो। आप स्पेशल हो, स्पेशल चोजन वन, तो आप स्पेशल हो। अपनी तुलना किसी से कभी मत करो, क्योंकि आपके बगल में तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। आप ऐसे हो, इतने दिव्य हो ना, तो आपके बगल में कोई खड़ा होने के लायक ही नहीं है। ईश्वर ने आपको ऐसे नहीं चुना है, ईश्वर ने इसलिए चुना है आपको क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। उनका जो माइंड है, मतलब वो मुंह से तो नहीं बोल रहे लेकिन वो अंदर से कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। देखो गाइस, आई लव यू, आई हैव टोल्ड माय फ्रेंड्स अबाउट यू। वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। राशि आई वृष राशि, वृष राशि के पार्टनर आपके हो सकते हैं, आर इनिशियल हो सकता है। ओके 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 माय डियर, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, सॉरी गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। वो आपको बोल रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में जो आ रहे हो, आए हो ना, उसके लिए आपको थैंक्स कह रहे हैं। प्लीज़ मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करो, मैं ज़रूर आऊँगा। बाबा ये विश्वास करो, वो आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। आई कॉन्ट टेक दिस डिस्टेंस एनी मोर। अब वो ये डिस्टेंस दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है। मैं कार्मिक हमेशा हूँ निकल नहीं पा रहा, पर कोशिश करो। वो कार्मिक से निकल नहीं पा रहे, वो कोशिश कर रहे। माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू एस इनिशियल, माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू अगेन 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 अगेन, यू आर प्योर सोल। उन्हें पता है आप प्योर सोल हो, बहुत जल्दी पता चल गई डियर, काफ़ी साल के बाद। ओ एन मैं आ रहा हूँ, वो आ रहे हैं, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। आई स्टार्ट विद यू एंड एंड ऑन यू, स्टार्ट आपसे ही और एंड भी आपके ऊपर। यू आर माई लाइफ, माई लाइफ इज नथिंग विदाउट यू। आप उनकी लाइफ, उनकी लाइफ आपके बिना कुछ भी नहीं। ओके, यू आर माई लास्ट लव, उनकी लाइफ में आप लास्ट लव हो, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ बहुत सारे रह चुके हैं, तो आप लास्ट हो सकते हो। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, आपको मतलब छोड़ना नहीं चाहते, आपको लूज़ नहीं करना चाहते। उन्हें बहुत दुख हो जाता है, वह तकलीफ में आ जाते हैं। वो बी इनिशियल
बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मिसिंग यू, प्लीज़ कॉल मी बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड देखो डियर, आप लोग में से बहुत लोग बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो। ओह गॉड, बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है, बेस्ट फ्रेंड हो जा। ओ माय गॉड, बोलते बोलते टंग इतनी फिसल जाती है। सॉरी डियर, आई मिस यू एवरी टाइम। वो आपको एवरी टाइम मिस करते हैं। Having you in my life, वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा चाहता है। डियर, do you think about me too? जैसे वो आपके लिए सोचते हैं, क्या आप भी उनके लिए सोच रहे हो या सोचते हो? Forgive me please, forgiveness चाहते हैं। I love you, I stalk you, yes, ये आपको stalk करते हैं, इन्होंने कहा ये स्टॉक करते हैं। ओके, प्लीज फॉरगिव मी अगेन, फॉरगिवनेस आर इनिशियल, एफ इनिशियल, ओके गाइस, टी इनिशियल, जी इनिशियल, ए ए ए ए ए इनिशियल, ओके, ऑल ऑफ मी फोकस, ऑल ऑफ यू, ओके, आई डोंट वांट टू बी अलोन, सैड माय डियर, सैड सैड है वो, एन डब्ल्यू आई एच वाई, अब ब्लास्ट कर रही हूँ मैं। आई नीड टाइम फॉर मी, उन्हें कुछ टाइम की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर को टाइम की ज़रूरत है, अभी भी वो आने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें और टाइम चाहिए। सॉरी, एस जी आई डोंट नो, के ठीक है, मेडिटेशन, ओ गॉड, देखो डियर मेडिटेशन की ज़रूरत है आपको, मेडिटेशन आपके सारे आंसर्स देंगे। वी, यू आर माई लास्ट लव अगेन, तो फाइनली मैं यहीं तक मैसेज ले रही हूँ, अब नहीं लूँगी मैं, अब ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। आप लोग अगर कभी इच्छा हो तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब ही कर दिया करो, एनर्जी एक्सचेंज कर लिया करो। मैं वैसे बहुत कम ही बोलती हूँ कि भाई लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे अजीब से फील होता है। अगर मुझे थोड़ा भी कुछ मैं आपको दे पाती हूँ तो लाइक सब्सक्राइब तो आप करोगे ही, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, तो इसलिए मैं नहीं बोलती कि भैया लाइक सब्सक्राइब करो। लेकिन अब मुझे कभी कभी लगता है कि करना कहना पड़ेगा कि लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखते तो हैं बहुत सारे लोग लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं और लाइक भी बहुत कम आता है। तो कोई नहीं, मुझे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि बोलना पड़े, लेकिन आपको तो खुद से मतलब आप समझ सकते हो कि हम जब इतनी मेहनत करते हैं, मैं जॉब में हूँ, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता, मुझे टाइम की बहुत किल्लत है, तो फिर भी मैं कोशिश करके बनाती हूँ आपके लिए। क्योंकि जब देर होती है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं दीदी आप वीडियो बहुत देर से डालते हो, तो इसके लिए सॉरी, बट क्या करूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं, तो मेरे साथ ना थोड़ा प्रॉब्लम है टाइम का। एक मैसेज और ले लूँ मैं, कॉल मी। तो कंडीशन ये है कि मेरी गलती माफ़ कर दो प्लीज़। तो मैं यही कह रही थी कि मुझे समय कम मिलता है कभी कभी, फॉर एवर नाइस, तो मुझे टाइम कम मिलता है डियर, इसलिए थोड़ा अगर लेट हो जाए तो इसको क्या कहूँ मैं आप समझ सकते हो, देर हो जाती है, बट कोई नहीं, हेल्प करो थोड़ी, मेरी भी एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगी और लाइक होंगे तो ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो पहुँचेगी।
अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू।